फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल मैथ एजुकेशन राजभर में आप सब लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेकंड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपका चैप्टर नंबर टू का बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग आइए बहुपद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि बहुपद में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान देना होता है। और आपको सबसे पहले तो इसमें डिस्कस ये किया जाता है बहुपद में कि बहुपद किसे कहते हैं। बहु का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि बहु का मतलब ज़्यादा होता है, पद का मतलब अगर देखा जाए तो संख्या होती है। अगर इसमें से हम लोग बहु का मतलब समझे तो ज्यादा पद मतलब संख्या, कि मतलब इसका मिला के दोनों का अगर अर्थ देखा जाए, जिन पदों में सबसे ज्यादा संख्या हो। बहुपद मतलब क्या होता है, बहुन संख्यकों में सबसे ज्यादा पद की संख्या। अब इसमें फ्रेंड्स हमको जानने वाली बात यह है कि बहुपद में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। सबसे पहला तो आपका आता है, इसमें आता है कि सबसे पहले रैखिक किसे कहते हैं। रैखिक का मतलब कि अभी सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि बहुपद है क्या। बहुपद हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ रहे थे उसमें आप लोगों को बहुपद का बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, भाग भी देखा था। तो अभी इस वाले जो टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुपद जिसका नाम है, तो आप लोग इसमें देखना होगा द्विघात समीकरण के, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, रैखिक क्या होता है। तो अभी हम लोग को इसमें देखना है कि इसका गुणांक क्या होता है, जो आपका पहला जो प्रश्नावली आपका 2.1 है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक में बता दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम में भी मैं स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग जो यह चैप्टर रहेगा आपको यही देखना है बहुपद कौन से कहलाते हैं, कितना पावर किस पे अधिक है, किस पे है कि नहीं, आप लोग को यही बताना है। और उसके बाद आपको बताना है त्रिघात क्या कहलाता है। अगर किसी के पावर समीकरण में तीन घात लगा है तो उसे बोलते हैं त्रिघात। अगर आपका दो घात है, जैसे वाई स्क्वायर प्लस 5x, तो आपको द्विघात हो गया। 3x प्लस 4 है तो आप उसे कहेंगे रैखिक है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग आप लोगों का एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा आज। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए देखिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया आएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं अपना पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। तो चलिए देखिए, मैं एनसीईआरटी बुक मेरे पास क्वेश्चन है, मैं आपको देखो क्वेश्चन दिया गया आपका दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले पूछा गया उस पॉइंट को देखिए, कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ बताइए। तो चलिए सबसे पहले तो जो मैं अभी समीकरण देख लेता हूं, जो पहला है आपका है, पहला देखिए आपका मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, पहला आपका दिया गया है कि इसमें पहले का पहला जो है मैं उसको सॉल्व करवा दे रहा हूं, अभी आप लोग खुद कन्फर्म हो जाएंगे। पहले का पहला देखिए आपका दिया गया है, जो इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया गया है 4x² - 3x प्लस का 7। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है और पूछा गया है इसमें पूछना व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, ये बताइए बहुपद है कि नहीं। मैंने बताया क्या था, बहुपद उसे कहते हैं जिसके पावर के पावर उसमें घात लगा हो। अभी इसमें देखिए 4x² - 3x + 7 में आपके पावर है कि नहीं है, जी हाँ है, आपके पावर 2 है। तो हम लोग कह सकेंगे यह एक क्या है, यह एक पद में बहुपद है। तो हम लोग क्या लिख सकेंगे, यह हमारा क्या एक चर में बहुपद लिख सकेंगे आप लोग, बहुपद एक चर में, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे, अब इसका देखिए सेकंड पार्ट में लेता हूं फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट आपका दिया गया है y² + √2, इसका मतलब यहां पर पावर 2 लगा है। अगर किसी का पावर 2 लगा ये भी बहुपद हो गया, तो हम लोग ये लिखेंगे क्या है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक क्या है फ्रेंड्स, बहुपद है। अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3rd पार्ट अब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 3rd दिया गया 3√t - t√2, ये बताइए आप लोगों का ये बहुपद है, जी नहीं, यह आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि आपके पावर इसमें नहीं लगा गया है, इसीलिए हम लोग कह सकेंगे बहुपद क्या है, आप लिख सकेंगे ये नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका 4th पार्ट, और 4th पार्ट क्या कहता है, 4th पार्ट दिया गया है y + 2/y। अभी मैंने बताया था कि जिसका पावर अगर आपको लगाए रहेगा वही आपका बहुपद हो सकता है, नहीं तो आपका बहुपद नहीं होंगे। अभी आप लोग देखिएगे तो इसमें तो बहुपद है ही नहीं है, हम लोग लिख सकेंगे क्या लिखेंगे, ये नहीं है, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। और लास्ट इसका पहले का आंसर आपका v वाला आपका दिया गया पोर्शन, x² - 10 + y³ प्लस टी का पावर 50। अभी इसमें देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, बाकी आप लोग अंतर खुद ही समझ जाएंगे। ये बताइए बहुपद है कि नहीं बहुपद है, जी हाँ बहुपद है, क्योंकि जो 3 टर्म का दिया गया संकर, इसमें आपको देखिए टी का पावर 50
बहुत बड़ी घात है, तो हम लोग कह सकेंगे ये भी बहुपद है। इस प्रकार से अगर हम लोग कहेंगे इसका जो पहला पार्ट था, पहला, दूसरा और आपका पांचवा, ये सब मिलाकर अगर देखा जाए ये आपका पहला दूसरा पांचवा बहुपद है, अन्यथा जो आपका दूसरा तीसरा और आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके बहुपद नहीं थे। आपको पहला क्वेश्चन जो था मैंने सॉल्व कराया और इसी पे अभी हम लोग आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में आपको एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, अभी आप लोग खुद सॉल्व समझ लेंगे। तो चलिए देखिए क्या नेक्स्ट में दिया गया है। दिया गया कि आपका दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू का हेडिंग डालता हूँ। दिया गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अभी मैं एक एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक किसे कहते हैं। तो जिस संख्या के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होना वह कहलाता है आपका गुणांक। तो चलिए देखिए अभी मेरे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक आपको पूछा गया है, मैंने एक सवाल लिया 5x² + 9x - 5। अगर आपको फ्रेंड्स इसमें बताना होगा, बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वह संख्या आपकी 5 है। तो हम लोग कह सकेंगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखने वाले हैं बराबर आपका 5 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ आपका 5 का ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लोग कह सकेंगे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 था। यदि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव लगा होता हम लोग लिखते माइनस का 5 गुणांक है। यदि आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं होती है तो एक बात और याद रखना है कि आप कभी भी उसका मान 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में 1 का मल्टीप्लाई छुपा रहता है। इसी प्रकार से आप लोग कह सकेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक वहां पर 1 होगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन आपके बुक का है, और क्वेश्चन वाला बुक आपके है 2 + x² + x में बताइए कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि x स्क्वायर जो था उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, उसके साथ आपका 1 मल्टीप्लाई हुआ है। हम लोग कह सकेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक आपका कितना होगा, 1 होगा। जी हाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो आइए हम लोग इसका मैं सेकंड वाला पार्ट कराता हूँ। सेकंड पार्ट आपका दिया गया है कि 2 - x² + x, क्यों देखना है इसमें, देखिए आपको 3 नहीं देखना है, याद रखना आपको ओनली एक्स स्क्वायर का गुणांक खोजना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस का। तो हम लोग कहेंगे इसका आंसर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो आप लोग, अब मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग को जो क्वेश्चन नंबर समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको तीसरा जो इसका पार्ट दिया गया है वो दिया गया है कि π/2 x² + x। अब आप समझ गए होंगे x स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है, x स्क्वायर के साथ हमारा π/2 का मल्टीप्लाई हुआ। हम लोग कह सकेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा π/2, इसका गुणांक होगा। चलिए हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। दिया गया है कि √2x - 1। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखने वाली बातें हैं, हमको जो एक्चुअली पूछा गया है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है फ्रेंड्स। इसमें देखिए आपका एक्स स्क्वायर तो आया ही नहीं है, हम लोग कह सकेंगे इसका गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक कुछ नहीं तो इसका गुणांक 0 होगा। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर, मैंने सेकंड भी सॉल्व कराया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही इंटरेस्टेड आप लोग को समझने वाली बात है। देखिए दिया गया कि 35 घात के द्रुपद और द्रुपद का वह का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए देखिए बोला गया 35 का द्रुपद देना है और 100 का एक एक पद का उदाहरण देना है, तो कैसे हम लोग देने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपका बोला गया 35 का द्रुपद में बोलना है, मैं कोई भी संख्या लेता दो पद में, जिसमें मैंने लिया क्या, मैंने ले लिया 3x, ये दो पद बनाने के लिए, ठीक है, और पावर 35 लगा दो। क्यों, ये 35 का बोला गया है कि द्रुपद बनाना है, माइनस का मैं इसमें कर देता हूं 4, एक आपका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, और एक आंसर मैं अगर लेना चाहूं तो ये एक पद वाला बोला गया, मैं तो एक पद में √2 ले लीजिए और वाई ले लीजिए, वाई पावर कितना लेना, तो वाई पावर में फ्रेंड्स बोला गया कि 100 का, तो मैं लिखता हूं y/100। तो इस प्रकार से अगर देखा जाएगा तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर था वो हम लोग कहेंगे कि √2 y/100। तो अभी आई होप कि आप लोग को मेरा यह समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी घात होती है आपको वही आंसर देना है, और अन्यथा आपको दूसरा आंसर नहीं देना है। तो चलिए अभी देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ सॉल्व करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका फोर है, दिया क्या गया है कि इसमें द्विघात त्रिघात और दिया गया है, इसमें बोला गया प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। चलिए देखिए घात कैसे बताएंगे, 5x³ पहला क्वेश्चन है, प्लस का 4x² प्लस का 7x फ्रेंड्स। अभी इसमें आप देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, आपको ये देखना है जो सबसे बड़ी घात होती है वही आपको आंसर देना है। तो देखिए अगर देखा जाए इसके सामने अगर लिखेंगे घात है तो सबसे बड़ी घात कितनी है, x के पावर 3। आप लिख सकते हैं क्या इसका आंसर आएगा 3 घात, इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार से मैंने 4 का पहला कराया, उसी प्रकार से आप लोग दूसरा देखिए, दिया गया है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर में कितनी घात आएगी तो 2 घात आएगी, कितनी आएगी फ्रेंड्स 2 घात आएगा। चलो हम लोग इसी के साथ इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है आपका, 5t माइनस का √7, टी का पावर कुछ नहीं तो टी का पावर आपका 1 माना जाता है, हम लोग कह सकेंगे इसकी जो घात आने वाली है वो आपका आएगा 1। तो अभी इसका जो एक पार्ट बचा मैं उसको भी कंप्लीट कराता हूँ। IV जो आपका चौथा पार्ट पूछा गया वो दिया गया 3, ये बताइए 3 के तो कोई है ही नहीं, यस के पावर तो है ही नहीं मेरे पास, कोई ऐसा टर्म है ही नहीं, हम लोग इसका लिखेंगे घात के 0 रहेगा। उस प्रकार से अभी हमने क्या क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी सॉल्व कराया है, तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराने वाला, मैं थोड़ा सीरियस करता हूँ और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए अभी आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा आप लोगों को, तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी यही सॉल्व करा दूँ क्योंकि इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए क्या दिया गया कि इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो एक बार मैं फिर फ्रेंड्स एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो आपका रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण जो होते हैं आपका 5x+4 होता है, द्विघात जिसके पावर 2 लगा होता है, त्रिघात जिसके पावर 3 लगता हो, बस यही देखना है आपको आंसर दे देना है। तो चलिए देखिए अभी मैं 5 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, दिया गया आपके बुक में पहला कि x² प्लस है, बताइए पावर कितना है 2 है ना, हम लोग इसको कहेंगे फ्रेंड द्विघाती समीकरण है, इसको क्या बोलेंगे द्विघाती बोलने वाले, बस यही लिखना है आपको। चलिए इसका दूसरा पार्ट लेता हूं मैं, दूसरा पार्ट आपका लिया गया x माइनस का x³, इसके पावर कितना फ्रेंड्स 3 है, तो हम लोग कहेंगे ये त्रिघाती समीकरण है, बस यही आपको लिखना है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, वाई प्लस का y² + 4, अभी आप लोग समझ गए होंगे पावर 2 है, हम लोग क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है अभी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आई वी मैंने लिया 5t, ये आपका क्या है आपका रैखिक है, तो आप लोग लिख सकेंगे रैखिक। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसी के साथ मैंने आज एक्सरसाइज 2.1 आपका सॉल्व करा दिया, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपने देखने वाले हैं 2.2 में आप लोगों को